सीमेंट से भरा एक ट्रक अपने मुकाम पर पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और ट्रक को बरामद कर लिया। ट्रक के ड्राइवर ने ही सीमेंट को बेच दिया था। भगवानपुर पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें 40 टन सीमेंट से भरा ट्रक पंजाब के विकास नगर के लिए चला और बीच से ही गायब हो गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों समेत 3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और 5 लोग पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। पुलिस ने इस मामले में एक ट्रक, 690 सीमेंट के कट्टे, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 83,000 रुपए भी आरोपियों से बरामद किए हैं। 19 सितंबर को पंजाब के फतेहगढ़ से शावेज नाम का ट्रक चालक 40 टन सीमेंट भरकर विकास नगर के लिए चला था, जो अपने तयशुदा स्थान पर नहीं पहुंचा। पुलिस को जानकारी दी गई और जीपीएस लोकेशन के आधार पर भगवानपुर के सिकंदरपुर से ट्रक को पकड़ा गया। ड्राइवर सावेज को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया उसने अपने भाई जावेद दोस्तों बंटी, योगेश सैनी, आयुष सैनी उर्फ काका, हितेश सिंह, इस्तखार और जमील के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा सीमेंट बेच दिया। इसमें जब बंटी को कब्जे पुलिस दिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 225 कट्टे सीमेंट एक जगह रखे हुए हैं, वहां से उसने 225 कट्टे सीमेंट बरामद कराए। एक और स्थान पर जो धीर मजरा में जमील नामक व्यक्ति है उसके गोदाम में ट्रैक्टर में भर के सीमेंट रखा गया था 465 कट्टे, वो भी उसके द्वारा उसकी निशानदेही पर बरामद कराए गए। इस तरह कुल 690 कट्टा सीमेंट बरामद किया गया मौके से, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद हुई हैं, 83,000 रुपये नकद इनके पास से मिले हैं। उस ट्रक को भी सिकंदरपुर चौक से बरामद किया गया, जिस कैप्सूल ट्रक को इन लोगों के द्वारा ले जाकर सिकंदरपुर में खड़ा कर दिया गया था। साथ ही 25 और खाली कट्टे और सीमेंट के कट्टों को भरने वाला कूप बरामद किया गया है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।